फ्रेंड्स, मॉम्स निटिंग एंड स्टाइल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं यह पैटर्न लेकर आई हूँ। बिल्कुल आसान और देखने में बहुत सुंदर सा यह प्यारा सा पैटर्न है। दो रंगों का पैटर्न है ये। इसी पैटर्न को मैंने गाजरी कलर और ग्रे के साथ बनाया है। आप इस पैटर्न को लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में डालेंगी तो बहुत सुंदर लगेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 3+1 यानी कि 4 के मल्टीपल में फंदे डालने होंगे और सिर्फ 4 सिलाइयों का ये पैटर्न है। वैसे तो इसे मैंने सिर्फ 2 कलर से बनाया है, आप चाहें तो इसे 3 या 4 कलर में भी बना सकती हैं, ये आपके पसंद पे डिपेंड करता है। देखिए, ये मैंने बिल्कुल लाइट कलर में बनाया है। और इस बॉर्डर का भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो इसे सर्च करके देख सकती हैं। तो चलिए, आज हम इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने 3+1 यानी कि 4 के मल्टीपल में फंदे डाल रखे हैं और 4 सिलाइयाँ बॉर्डर की भी बुन ली हैं। किनारे के लिए मैंने 2-2 फंदे रखे हैं। अब हम इसमें दूसरे कलर का ऊन को जोड़ेंगे। यहाँ पर मैं गाजरी कलर का ऊन जोड़ रही हूँ। अब हम गाजरी कलर से बुनाई शुरू करेंगे। यहाँ पर हमें गाजरी कलर से पूरी सिलाई सीधी बुन लेनी है। देखिए, यानी पैटर्न की पहली सिलाई पूरी सीधी बुनी जाएगी। ये पहली सिलाई हमारी सीधी बुनी जाएगी और इसी तरह से हमें सीधे और उल्टे बुनते हुए टोटल 6 सिलाइयाँ गाजरी कलर से बुन लेना है। ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई जो कि रॉन्ग साइड है, इसे हम पूरी उल्टी बुनेंगे। देखिए, इसे हम पूरी उल्टी बुनेंगे। ये हमारी पैटर्न की दूसरी सिलाई हो गई, यानी सीधे और उल्टे बुनते हुए हमें टोटल 6 सिलाइयाँ बुन लेनी है। तो 6 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर मैं बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। ये देखिए, ये 6 सिलाइयाँ मैंने गाजरी कलर से बुन ली है। अब हम एक बार फिर इस सुरमई कलर के ऊन से बुनाई शुरू करेंगे। देखिए, पहला फंदा सिंपल तरीके से सीधा बुन लेंगे। दूसरा फंदा भी सीधा। अब हम 1-2 इस दूसरे फंदे में 3 सिलाई नीचे जाएंगे। 1-2-3, ये देखिए 1-2-3, 3 सिलाई नीचे से हम एक लूप निकालेंगे। 1-2-3, 3 फंदों को हम बिना बुने दाहिनी सिलाई पर डाल लेंगे और ये जो हमने लूप निकाला था, इसे बाईं सिलाई से खींचकर इस तरह गिरा देंगे। ये देखिए, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। एक बार फिर दूसरे फंदे में 3 सिलाई नीचे जाएंगे। 1-2-3, देखिए एक लूप निकाल लेंगे। लूप हमने निकाल लिया, 3 फंदों को बिना बुने उतारेंगे और इस लूप को बाईं सिलाई से खींचकर इस तरह गिरा देंगे। एक फंदा सीधा। एक बार फिर पहले दूसरे फंदे में 3 सिलाई नीचे जाएंगे। 1-2-3,
एक लूप निकालेंगे, तीन फंदों को बिना बुने उतारेंगे। देखिए, और इस लूप को इस तरह गिरा देंगे, एक फंदा सीधा। एक बार फिर दूसरी सिलाई में तीन सिलाई नीचे, सॉरी दूसरे फंदे में तीन सिलाई नीचे, एक दो तीन। ये हमने लूप निकाल लिया, तीन फंदे बिना बुने दाहिनी सिलाई पर डाल लेंगे और इस लूप को इस तरह बाईं सिलाई से खींचकर गिरा देंगे, एक फंदा सीधा। एक बार फिर दूसरे फंदे पे एक दो तीन, तीन सिलाई नीचे जाकर एक लूप निकालेंगे और तीन फंदों को बिना बुने दाहिनी सिलाई पर डालकर इस तरह से एक फंदा सीधा, एक दो तीन, तीन सिलाई नीचे, एक लूप निकालेंगे, तीन फंदों को बिना बुने दाहिनी सिलाई पर डालेंगे और एक दो। ये हमारी पैटर्न की पहली सिलाई कंप्लीट हुई। दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड, पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा। यहाँ पर हमारे पास तीन गाजरी फंदे हैं, इनमें से हम इस एक फंदे को इस ब्राउन कलर के फंदे उनसे बुन लेंगे, एक फंदा बिना बुने छोड़ देंगे और तीन फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, एक दो तीन, एक फंदा बिना बुने और फिर तीन फंदों को उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन, एक फंदा बिना बुने छोड़ देंगे, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, एक फंदा बिना बुने छोड़ेंगे और तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे और तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। ये हमारी पैटर्न की दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई राइट साइड, तीसरी सिलाई हमें पूरी सीधी बुन लेनी है। ठीक है, तीसरी सिलाई हम पूरी सीधी बुन लेंगे। चौथी सिलाई जो कि रॉन्ग साइड की है, इसे हम पूरी उल्टी बुन लेंगे। देखिए, चौथी सिलाई हमें पूरी उल्टी बुन लेनी है। बहुत आसान सा डिज़ाइन है, बहुत तेज़ी से बुनाई इसकी हो जाती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, चौथी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुन लेनी है। तो चौथी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनकर फिर पांचवी सिलाई में ऊन का रंग चेंज करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चार सिलाइयाँ पैटर्न की पूरी कर ली और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे, यानी यहाँ से हमें फिर शुरू करना है। तो छह सिलाइयाँ हमें पहले गाजरी कलर के ऊन से बुननी पड़ेगी। तो हम पहले छह सिलाइयाँ गाजरी कलर के ऊन से बुन लेंगे, सीधे और उल्टे के पैटर्न में। देखिए, ये हमने ऊन का रंग चेंज कर दिया, यानी हम छह सिलाइयाँ गाजरी ऊन से बुन लेंगे। है ना बिल्कुल आसान सा पैटर्न। देखिए, तो छह सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर मैं बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये छह सिलाइयाँ गाजरी कलर के ऊन से बुनने के बाद अब हम एक बार फिर पैटर्न को रिपीट करेंगे। पहला फंदा, अब हमने ऊन का कलर चेंज कर लेना है।
दो फंदे किनारे के, एक दो, दूसरे फंदे में हम तीन सिलाई नीचे, एक दो तीन, तीन सिलाई नीचे से एक लूप निकालेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे बिना बुने दाहिनी सिलाई पर डालने के बाद हम इस लूप को इस तरह तीनों फंदों के बाहर से गिरा देंगे, एक फंदा सीधा, एक बार फिर लूप निकालेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सिलाई नीचे से, तीन फंदे बिना बुने दाहिनी सिलाई पर डालेंगे और इस तरह से इस लूप को हमने गिरा देना है, एक फंदा सीधा। तो ये हमारा पैटर्न रिपीट होने लग गया, तीन सिलाई नीचे से एक लूप निकालेंगे, तीन फंदा बिने बुने उतारेंगे और इसे इस तरह गिरा लेंगे, एक फंदा सीधा, एक बार फिर एक दो तीन, तीन सिलाई नीचे से एक लूप निकालेंगे और तीन फंदों को बिना बुने दाहिनी सिलाई पर डालकर इस लूप को बाईं सिलाई से खींचकर इस तरह गिरा लेंगे, एक फंदा सीधा, एक दो तीन, तीन सिलाई नीचे से एक लूप निकालेंगे, तीन फंदा को बिना बुने दाहिनी सिलाई पर डालकर इस तरह से, एक बार फिर पहला, दूसरे दूसरे फंदे में तीन सिलाई नीचे से एक लूप निकालकर, तीन फंदों को बिना बुने उतार लेंगे और इस तरह से लूप को, दो फंदे हमारे किनारे के हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। देखिए ये हमारा पैटर्न रिपीट होने लग गया। इसे जब हम और आगे बुनेंगे तो ये कुछ इस तरह का लुक आएगा। देखिए तो आप भी इस पैटर्न को ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ नए नए डिज़ाइन शेयर करें। थैंक यू।